Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies. और आज हम अपना chapter number 12 start करेंगे और chapter का नाम है Direction, दिशाएं. As you know, there are four directions: East, West, North, South. चार दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं. सम एंड सब्सटेंस. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे डायरेक्शंस के बारे में, कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में. आप पढ़ेंगे हाउ टू नो डायरेक्शंस एट नाइट और हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस ऑन अ मैप के बारे में. फर्स्ट वी स्टार्ट द चैप्टर, यू हैव टू गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. So, my dear student, you have to read these questions and give answer by yourself. Directions. Direction kya hoti hai? When we go from one place to another, we need to know which way to go. Agar hum ek jagah se dusri jagah ja rahe hain, to hume pata hona chahiye ki hume kahan jana hai. To hum kuch word ka use karte hain. Left, right, front, behind, between, etc. Help us to know how to get to place. इन सब शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं जाने के लिए जहां पर हमें जाना है. और इन सब को हम क्या कहते हैं? Relative directions कहते हैं. The path that we take when moving from one place to another is called a direction. वो रास्ता जो हम इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो कहलाता है क्या? डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑल्सो इंडिकेट द प्लेस वेयर एन ऑब्जेक्ट लाइज. नाउ वी विल लर्न अबाउट कार्डिनल डायरेक्शन. अब हम कार्डिनल डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. देयर आर फोर मेन डायरेक्शन बाय विच पीपल एक्सप्लोर द प्लेसेस अराउंड अस. चार मेन डायरेक्शन होती हैं जो क्या करती हैं? बताती हैं आसपास की जगहों के बारे में कि वो कहाँ है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज ईस्ट से उगता है और कहाँ छिपता है? वेस्ट में छिपता है. वी स्टैंड विद आवर हैंड्स एक्सटेंड टूवर्ड द राइजिंग सन. अगर हम अपने हाथों को एक्सटेंड करेंगे राइजिंग सन की तरफ जहां से सूरज उग रहा है तो हमारा फेस कहाँ पर है? ईस्ट की तरफ है. और हमारी बैक कहाँ है? वेस्ट की तरफ है. हमारा लेफ्ट हैंड कहाँ है? नॉर्थ में है. और राइट हैंड कहाँ है? साउथ में है. तो चार मेन डायरेक्शन हो गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. और ये क्या कहलाती हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस कहलाती हैं. समटाइम डायरेक्शन एरोज आर प्लेस्ड ऑन द रोड. कई बार आपने रोड पे देखा है डायरेक्शंस के एरो लगे होते हैं. वो हमारी हेल्प करते हैं कि इस तरफ ये डायरेक्शन है और इस तरफ ये डायरेक्शन है. सही डायरेक्शन दिखाने के लिए लगे होते हैं एरोस. अब हम पढ़ेंगे हाउ टू नो डायरेक्शंस एट नाइट. रात के समय कैसे पता चलता है या कैसे पहचानते हैं कि क्या डायरेक्शन है? एट नाइट द सन इज नॉट देयर इन द स्काई. रात के समय सूरज नहीं होता है. देन वी टेक द हेल्प ऑफ पोल स्टार. तब हम पोल स्टार की हेल्प लेते हैं. ऑन अ क्लियर नाइट वी कैन सी द पोल स्टार इन द स्काई विच ऑलवेज शाइन इन द नॉर्थ. जो शाइनिंग स्टार बहुत चमकता है कौन सा? पोल स्टार. वो कहाँ चमकता है? नॉर्थ की दिशा में. नाउ वी विल लर्न अबाउट डायरेक्शंस ऑन मैप. मैप पे डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. अ मैप इज लाइक अ स्पेशल पिक्चर दैट शो अस वेयर डिफरेंट प्लेसेस आर. इट लाइक अ ड्राइंग ऑफ वर्ल्ड, अ कंट्री और इवन जस्ट अ सिटी. मैप क्या होता है? मैप एक ऐसी पिक्चर है जो डिफरेंट प्लेसेस शो करती है. या वो क्या हो सकती है? किसी वर्ल्ड की पिक्चर हो सकती है, ये वर्ल्ड की ड्राइंग हो सकती है, कंट्री की या फिर किसी एक सिटी की. इट शो डायरेक्शन ऑफ वेरियस लोकेशन इजिली एंड एक्यूरेटली. वो किसी भी जगह की डायरेक्शन बिल्कुल सही बताती है. इन अ मैप ऑफ इंडिया. अगर आप इंडिया का मैप देखें फॉर एग्जाम्पल, वहां पर बहुत सारी स्टेट और सिटीज ड्रॉ होती है. बट इट नॉट जस्ट एनी ड्राइंग. लेकिन वहां पर कोई ड्राइंग नहीं होती, सिर्फ क्या होती है? डिफरेंट
स्टेट्स होती हैं और सिटीज होती हैं। द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ, अगर कोई मैप है जो उसका टॉप है वो क्या है, नॉर्थ है, उसका बॉटम साउथ है, राइट साइड पे ईस्ट है और लेफ्ट साइड पे क्या है उसके वेस्ट है, किसके, इंडिया के मैप में। व्हेन यू लुक एट द मैप, जब आप मैप पे देखेंगे यू कैन इजिली फिगर आउट विच वे इज विच, तो आप इजिली पहचान जाएंगे कि कौन सा रास्ता कौन सा है। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ मैप, तो टॉप पर क्या था, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो इजिली आपने मैप को देख के पहचान लिया। नाउ टाइम फॉर इंटरप्रिटेशन, द वर्ड न्यूज इज यूज टू रिमेंबर ऑल द फोर डायरेक्शन। न्यूज की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। Now time to have look over. Direction is the path we take while going from one place to another. East, west, north and south are four main directions. Directions arrows are placed on the road to help people find their way. We can understand these directions with the help of the rising sun. Map shows different to various location easily and accurately. Now time for the estimation corner. सबसे पहली exercise है, choose the correct option. Dash also indicate the place where an object lies. क्या indicate करता है, map, compass, direction या none of these? तो सही option है direction, दिशा से हम पता चलाते हैं या पता चलता है कौन सी जगह या कौन सी चीज कहाँ पर है। A map is like a dash of the world. Map क्या है, किसकी तरह है world की, picture, drawing, image या none of these? तो वो क्या है, एक drawing है। The sun rises in the sun कहाँ पर उगता है, sun उगता है east में। There are dash main direction, कितनी main directions है, there are four main directions, east, west, north and south. Now exercise B, fill in the blanks using help box. East, west, north and south are called the dash direction. इन्हें कौन सी direction कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं cardinal direction. A dash show us where the different places, क्या हमें बताता है different places के बारे में, वो है map, M-A-P map. The sun sets in the sun कहां छुपता है, sun छुपता है west में. North lie opposite to the north, किसकी opposite में है, north opposite में है south. Now exercise C, state whether the following statements are true or false. Our right hand points to the south, हमारा right hand south की तरफ point करता है. We must learn direction so that we are not lost. अगर हमें सही direction पता है तो हम नहीं खोएंगे. Pole star does not help travel to find out direction. Pole star help नहीं करता direction बताने के लिए. There are five main direction. हमारी पांच दिशाएं हैं. तो बच्चों इन सब के आंसर्स आपको खुद देने हैं, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, आपको बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न्ड अबाउट डिफरेंट डायरेक्शंस, हमने अलग अलग दिशाओं के बारे में पढ़ा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।